हाय गाइस व्हाट्सअप। तो गाइस आज हम बनाने वाले इस टाइप का एक स्पीकर। गाइस ये रेडीमेड था लेकिन इसकी जो सर्किट थी वो बिगड़ गई थी। ठीक है, तो हम इसमें थोड़ा सा खर्च करेंगे और इसको बनाएंगे और बहुत अच्छा बास आएगा और बहुत मजा बजने वाला है। ठीक है, तो हम वीडियो को स्टार्ट करेंगे। ओके, तो लेकिन गाइस उससे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और मेरी इंस्टा आईडी का नाम है नीरज के एक्सपेरिमेंट, तो उसे भी फॉलो करना। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गैस मेरे पास एक ऐसा पुराना स्पीकर पड़ा था। ठीक है, आप देख सकते हैं इस टाइप का एक पुराना स्पीकर था। तो इसके अंदर की जो सर्किट होती है वो टूट गई है। ठीक है, आप देख सकते हैं मैंने इसको पहले से निकाल दिया है। आप देख सकते हैं ये वाली सर्किट है वो थोड़ी सी टूट गई है और बिगड़ गई है। इसका जो सॉकेट था चार्जिंग का वो भी टूट गया है। तो हम गैस इसमें नई वाली सर्किट लगाएंगे। ठीक है, आपको दिखाते हैं। तो गैस ये है PM8403 एम्पलीफायर बोर्ड। ठीक है, तो हम इसका यूज़ करने वाले हैं। ये आपको आसानी से मिल जाएगा, ऑफलाइन कहीं पर भी या ऑनलाइन भी आपको मिल जाएगा। इसके जो लिंक है वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, और गैस ये ऑफलाइन 50 से 60 रुपये में मिलेगा और ऑनलाइन तो महंगा पड़ जाएगा। तो आप देख सकते हो इस टाइप से एक ऑक्स केबल है मेरे पास। तो अभी इसमें मैं लेफ्ट लेफ्ट और राइट राइट और ग्राउंड ग्राउंड में लगा देना। ठीक है, ऑक्स केबल का। ठीक है, तो अभी हम इसमें सोल्डरिंग करेंगे। आपको दिखाता हूँ मैं कैसे सोल्डरिंग करनी है हमें। तो लेकिन गैस मैं इसको इधर फिक्स करूँगा इस टाइप से कुछ। आप देख सकते हो इधर हम इसको साइड में फिक्स करेंगे। आप अपने हिसाब से कहीं पर भी फिक्स कर सकते हो। तो अब गैस मैं इसमें सोल्डरिंग करता हूँ। तो गैस इधर ऊपर जो है स्पीकर का वायर होता है प्लस और माइनस। वैसे स्पीकर में कुछ प्लस माइनस होता नहीं, लेकिन आप चाहो तो प्लस माइनस की तरह से लगा सकते हो। स्पीकर में वैसे रेड और ब्लैक वायर होता ही है। आप देख सकते हो इस टाइप से हमें लगाना है। और अभी दूसरे को भी लगा देता हूँ। और गैस आपको दोनों वायर को टच नहीं होने देना। ठीक है, वरना क्या होगा, शॉर्ट होगा और हमारा स्पीकर है वो वर्क नहीं करेगा। तो आप देख सकते हो। और गैस ये 5 वोल्ट से चलेगा और 3 वोल्ट से भी चलेगा, 12 वोल्ट से नहीं चलेगा वरना सर्किट हमारी जल जाएंगी। तो अभी ये ऑक्स केबल है गैस, इसका ग्राउंड वाला जो है वो येलो है, वो हमारे बीच में आएगा। लेकिन उससे पहले गैस मैं इसको हमारे स्पीकर के पीछे से निकाल देता हूँ। ठीक है, आप देख सकते हो इधर एक छेद है, वहाँ पर से निकाल दूंगा। इस टाइप से हमें निकालना है और आगे की ओर हमें एक छोटी सी गांठ मार देनी। ठीक है, जिससे क्या होगा कि हमारा वायर है वो खींचेगा नहीं और निकलेगा नहीं। वरना क्या होगा कि हम गांठ नहीं मारेंगे तो एक खींचेंगे और निकल जाएंगी सोल्डरिंग हमारी। तो आप देख सकते हो ये येलो वाला है वो हमारा ग्राउंड है और दूसरा लेफ्ट और राइट। आप अपने हिसाब से लगा सकते हो, लेफ्ट और राइट, राइट राइट में लग जाए तो भी चलेगा और लेफ्ट में भी लग जाए तो भी चलेगा, लेकिन हमें ग्राउंड को ही ध्यान में रखना है। आप देख सकते हैं इस टाइप से, और हमें ग्राउंड को ही ध्यान रखना है गाइस। इसलिए इस टाइप से तीनों की सोल्डरिंग कर दी है और आपको आपस में टच नहीं होने देना। अभी मैं इसकी सोल्डरिंग फिर से कर देता हूँ। आप देख सकते हो इस टाइप से हो गया है सोल्डरिंग हमारे। और अब हम इसमें बैटरी लगाएंगे। ठीक है, ये मोबाइल की बैटरी है 3.7 वोल्ट की। आप गाइस लिथियम बैटरी की भी यूज़ कर सकते हो जो पुराने लैपटॉप की बैटरी में से निकलती है। आप देख सकते हो इस टाइप से प्लस प्लस और माइनस माइनस में। लेकिन गैस इसमें मैं एक स्विच लगाने वाला हूँ। तो अब आप सोचोगे कि स्विच कैसे लगाऊंगा। तो गैस हमारी जो पुरानी सर्किट है उसमें से स्विच है, उसमें मैं दो वायर लगा दूंगा जम्पर वायर करके। जहाँ पर हमारी स्विच है उसका थर्ड और सेकंड जो लेग होती है उसमें से एक जम्पर वायर कर दूंगा मैं दोनों में। आप देख सकते हो इस टाइप से, एक बैटरी का स्विच में और दूसरी स्विच का हमारे जो ये मॉड्यूल है उसमें, एम्पलीफायर मॉड्यूल है उसमें लगाना। ठीक है, अभी आपको दिखाता हूँ। इसमें जो दो है कोई भी दो लेग ले सकते हो आप, इस साइड की दो या उस साइड की। ठीक, तो अभी मैं इसको इधर सोल्डरिंग करूँगा। तो आपको दिखाता हूँ किस टाइप से सोल्डरिंग में करने वाला हूँ। तो इस टाइप से अभी गैस मैं सोल्डरिंग इधर कर दूंगा
और आप अपने अंदर से इसको सोल्डरिंग कर सकते हो। और गैस आप चाहो तो अलग स्विच लगा सकते हो, ये वाली नहीं तो दूसरी कोई। ठीक है, इधर एक मैं अलग से वायर निकालूंगा जो हमारा जम्पर वायर होगा। तो अभी मैं एक वाइट कलर का वायर, नहीं ब्लैक कलर का वायर का यूज़ करूंगा। ठीक है, इस टाइप से कुछ सोल्डरिंग कर दूंगा मैं। आप देख सकते हैं इस टाइप से, इसमें गैस में सोल्डरिंग वायर लगाता हूँ, जिससे कि क्या होगा कि आसानी से हमारी जल्दी से सोल्डरिंग हो जाएंगी। ओके, तो आप देख सकते हो इधर गैस अभी मैं वायर को लगा देता हूँ। और अभी जो हमारा ब्लैक वाला वायर है माइनस, वो हमारे मॉड्यूल के माइनस में लग जाएगा। ठीक है, तो अभी मैं वहाँ पे लगा दूंगा। और गैस PM8403 है जो मॉड्यूल, वो बहुत अच्छा बजता है और इसका बास भी बहुत अच्छा आता है। तो आप देख सकते हो इस टाइप से मैं सोल्डरिंग करता हूँ। और इधर हमारा माइनस वाला वायर है, उसे हम लगा देंगे। और गैस सोल्डरिंग करने में मुझे बहुत दिक्कत आई है, वैसे आसानी से हो जाती लेकिन क्या होता है कि कभी कभी निकल जाती, इसलिए। तो आप देख सकते हो हमारा एक कंप्लीट हो गया है। तो अभी हमें इसको फिक्स करना है। ठीक है, तो गैस मैं फिक्स कर दूंगा इसे आसानी से ग्लूगन की सहायता से। इधर हमारी बैटरी लग जाएंगी और हमारा जो सर्किट था वो सर्किट की जगह पे, और हमारा जो मॉड्यूल है वो मैंने आपको पहले बताया था वहाँ पे लग जाएगा। तो मैं इसको ग्लूगन से चिपकाने वाला हूँ। तो आप देख सकते हैं इस टाइप से। तो अभी हमारा स्पीकर है वो यहाँ पे लगेगा इस टाइप से, कुछ इसके अंदर जाएगा। आप देख सकते हो इस टाइप से फिक्स हो जाएंगे हमारे सारी चीज़ें। अभी गैस मैं इसको अपग्रेड करूँगा, दूसरा पार्ट लाऊँगा जिसमें सारी चीज़ें लगेंगी, मतलब कि LED होगी और बहुत सारी चीज़ें, जैसे चार्जिंग मॉड्यूल लगाऊँगा, सॉकेट। ठीक है, अभी तो गैस मेरे पास सिर्फ एक मॉड्यूल था इसलिए मैंने एक ही लगाया, और बाद में मैं इसको ब्लूटूथ द्वारा भी करने वाला हूँ। ठीक है, तो गैस अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जिससे कि क्या होगा कि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में आ जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो इस टाइप से। और गैस वीडियो को लाइक कर जाओ और कमेंट भी करते रहो यार। ठीक है, तो आप देख सकते हो मैंने इसको फिक्स कर दिया है, और अब इसकी टेस्टिंग करेंगे हम। तो गैस टेस्टिंग के लिए मैं अभी NCS म्यूज़िक का यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, एक पुराना फ़ोन है, लगा देता हूँ। और अभी मैं अपनी बोलती बंद कर देता हूँ। ठीक है, अब सुनो आवाज़।